कर रहे हैं, रिकॉर्ड में चला गया तुम लोग क्लास, समझे। इसलिए आज का जो टॉपिक जो हम लोग का है पिंक्रियाटाइटिस, तो पिंक्रियाटाइटिस से पहले उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी हल्का सा जान लो। पिंक्रियाटाइटिस का पेंक्रियास से पिंक्रियाटिस है, पिंक्रियाज इंफ्लामेशन ऑफ द पिंक्रियाज, दैट इज कॉल्ड पिंक्रियाटाइटिस, यानी पैंक्रियाज सेल का पिंक्रियाज का इंफ्लामेशन हो जाता है। तो पेंक्रियाज में क्या था, पैन मीन्स ऑल, क्रियज मीन्स फ्लैश, इज द ग्लैंड दैट इज द, दे आर टू टाइप्स ऑफ द ग्लैंड, वन टाइप ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, अनदर इज इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मीन्स बाहरी, इंडो मीन्स अंदरूनी, दो ग्लैंड मेन इसमें पाया जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एक्सोक्राइन इंडो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है, और इंडोक्राइन मीन्स अल्फा बीटा और डेल्टा, तीन है, अल्फा ग्लूकागोन का सिक्रेट करता है और बीटा क्या करता है इंसुलिन का, डेल्टा सोमैटोस्टिन का। ये है इसका एनाटॉमी, देखो इसका तीन पार्ट होता है, हेड बॉडी एंड टेल, लेकिन हेड ये है, हेड के बगल में ये साइड वाला बीच में नेक है, तो ऊपर एलिवेटेड है, यहाँ नेक होता है, उसके बीच में बॉडी एंड टेल लास्ट, ये तीन पार्ट इसके हैं। ये तो कोई दिखा दिया है कि तीन पार्ट है। अगला है फंक्शन इसका, तो इंडोक्राइन में आइसोलेट ऑफ लैंग्रहर से अल्फा सेल जो निकलता है वह ग्लूकागोन का सिक्रेट करता है 20%, बीटा सेल जो है सिक्रेट में इंसुलिन 75%, डेल्टा सेल में सोमैटोस्टेटिन दैट इज कॉल्ड 5%, ये इंडोक्राइन ग्लैंड से ये सिक्रेट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से पैंक्रियाटिक जूस है में एमएलए लाइपेज ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये देखो इसका जो पिक्चर है इसका ये हेड है, हेड कहाँ मिला, देखो ड्यूडेनम का के नजदीक ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम यहाँ से देखो, यहाँ जैसे हम लोग को ये भेन आता था सीबीडी आता था, ये फर्स्ट सेकेंड पार्ट ड्यूडेनम में जो गिरता है यहाँ, और इसका ये देखो ये बीच का ये डक्ट है, ये पैंक्रियाटिक जो डक्ट है ये डक्ट मिलता है दोनों यहाँ, ये साइनस ये है, देखो ये लिखा हुआ है ये कॉमन वेल डक्ट यहाँ मिलता है जुड़ता है, और यहीं पर दोनों गिरता है एक दूसरे से मिलता है, ये हेड यहाँ है और टेल चला जाता है स्प्लीन फ्लेक्सेस के नजदीक जाता है। इसका इस पर एक एनाटॉमी स्ट्रक्चर बताया है, उसके अंदर का अल्फा सेल बीटा सेल और एक्सोक्राइन ग्लैंड का दिखाया है, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस का बताया है, ये स्ट्रक्चर है पैंक्रियाटिक डक्ट, देखो कहाँ निकला था कैसे क्या है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट मिलता है यहाँ ड्यूडेनम में जाकर मिलता है, मेजर ड्यूडेनम पैपिला में मिलता है, वाटर एम्बुला जहाँ बनाता है वहां मिलता है, ये एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी मेन उतना नहीं बताना है डीप में, हल्का बताते हैं। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, आज जो हम लोग को पढ़ना है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का डिफिनेशन है, एक्यूट कंडीशन ऑफ डिफ्यूज पैंक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन एंड ऑटो डाइजेशन अर्जेंट विथ एब्डोमिनल पेन एंड इज यूजुअली एसोसिएट विथ रेस पैंक्रियाटिक एंजाइम लेवल इन द ब्लड एंड यूरिन, यानी ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में, रिवर्सिबल इंफ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। एपिडेमियोलॉजी में है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस अकाउंट्स ऑफ 3% ऑल केसेस ऑफ एब्डोमिनल पेन अमंग पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल यूके, ये डाटा जो है एपिडेमियोलॉजी का यूके का डाटा है कि अफेक्ट 18 to 28% इन 1 lakh ऑफ द पीपल, 1 lakh में 228% एक होता है इससे सफर करता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है ये है, उसमें अमेरिका में का ये डाटा है। इट मे अकर एट एनी एज, पीक इंसिडेंस इज द बिटवीन
15 to 60, लेकिन 40 इस जमाना में 14 टू 60 कॉमन है के मोर वुमेन आर अफेक्टेड मोर इन द मेन बट मेन आर मोर लाइकली टू सफर रिकरेंट अटैक। इसमें को वुमेन इफेक्ट करता है लेकिन वहाँ इसलिए करता है वुमेन इसमें इफेक्ट क्योंकि इसका जो पॉलीलिथियसिस की वजह से कॉमन वुमेन को दिया है लेकिन अल्कोहल एब्यूज के लिए एडिक्ट करने के लिए मेन सफर करते हैं, इसलिए दोनों मिला के एक ब्लॉक बैलेंस में इक्वली होता है, मोर एंड फीमेल दोनों इक्वली ही इसमें सफर करता है। इटियोलॉजी में 80% ऑफ केसेस आर ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल एंड अल्कोहल, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कॉमन होता है फीमेल में और अल्कोहल मेल में, इसलिए दोनों बराबर है लगभग 40 to 40%। द रिमेनिंग 20% ऑफ केसेस आर ड्यू टू कंजेनाइटल पैंक्रियाटिक डिविजन, दूसरा है मेटाबॉलिक में हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरकैल्सेमिया और टॉक्सिक में स्कॉर्पियन वेनम या स्नेक वेनम, इस दोनों का टॉक्सिक में, और इन्फेक्शन में मॉम्स कोक्सकी बी वायरस है, ईबीएस एप्स्टीन बार वायरस है, साइटोमेगाला वायरस, ये कॉमन, ये भी रिस्क फैक्टर है इसका। ड्रग्स का रिस्क फैक्टर में है एजाथियोपैरिन और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है ये, इसके ये रिस्क फैक्टर, ये भी रिस्क फैक्टर करता है, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, ग्रुप है सल्फोनामाइड, स्ट्रैड स्ट्रैड थियाजाइड डायबिटिक एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सर रिस्क फैक्टर में आता है। वास्कुलर में इस्चीमिया, वास्कुलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, SLU, सिस्टमिक लूपस इरिटेमेटस, पैन, पॉलीआर्टराइटिस नोडुलोसा, उसके बाद हेरिडिटी ऑटोइम्यून में हेरिडिटी पैंक्रियाटाइटिस, ट्रोमेटिक मिसलेनियस में सिस्टिक फाइब्रोसिस CF, हाइपोथर्मिया, पेरी एम्पुलर ट्यूमर, एडियोपैथिक अननोन। एक ये उसी का एक टर्म बना के, एक सेंटेंस बना के यूज इजी याद रखने के लिए दिया है, एमनीमोमनिक ऑफ द कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटिस, वही चीज को ये एक शक्ल में दिया है कि याद रखने के लिए हम लोग को बताया गया है। तो आई गेट इस मैसेज, जैसे आई दैट इज कॉल्ड एडियोपैथिक, जी दैट इज कॉल्ड गॉलस्टोन, ई दैट इज कॉल्ड इथनॉल, ई दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा, स्क्वायर्स, मम्स, ऑटोइम्यून, स्कॉर्पियन, ऑब्लिक स्नेक्स, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरकैल्सेमिया, ERCP एंड ड्रग, एंजियोटेंसिन, या इंडोस्कोपी रेट्रोकोलेंजियोपैंक्रियोटोग्राफी, उस करते वक्त भी ट्रॉमा होने की वजह से हो सकता है। बिलेडी पैंक्रियाटाइटिस में कॉमन चैनल थ्योरी, यही कॉमन चैनल थ्योरी है, तो CBD से जो आता है बैल यहाँ आता है और इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट है, वो देखो डक्ट जो दोनों मिलता है वाटर एम्पुला जो ड्यूडेनम में बनाता है, वही ये स्टोन है, यह ऑब्स्ट्रक्शन करता है कॉमन, उसी कहते हैं कॉमन चैनल थ्योरी, ये दोनों का मिलता है इसलिए इसको कॉमन चैनल थ्योरी बोला गया है। इनकम्पिटेंट स्फिंक्टर ऑफ बॉडी यही रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन पैंक्रियाटिक डक्ट का हो गया उसके कारण होगा कॉमन। अल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द पैंक्रियाटिक एसिनर सेल्स, एसिनर सेल उसमें सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, टॉक्सिक की वजह से डिस्ट्रक्शन होगा, उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वहां का सेल निक्रोज होगा, उसके कारण कॉमन अल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस में ये होगा। स्टिमुलेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ द बॉडी, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी वहां डोडेनम में रहता है, उसके वही कॉज को फिर इससे तरह से बताया है कि डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ये बता दिया है, एसेनर सेल डिस्ट्रक्शन। तीसरा डिफेक्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, तीन टाइप से इसका कोर्स को दिखाया, पैथोलॉजी ने बताया कैसे कैसे होता है, जैसे डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में पॉलीलिथियसिस, जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा एम्पुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा,
कोरोनिक अल्कोहलिन की वजह से भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, डक्ट पैनक्रियासन पर होगा, उसके बाद इनके वजह से इडिमा होगा, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो होगा, इस्सीमिया होगा, ब्लड फ्लो कम होने के बाद इस्सीमिक होगा और एसिनल से इंजुरी होगा, और इंजुरी होगा तो एक्टिवेट इंजाइम होगा जिसके कारण इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन इडिमा होगा और एक्यूट पैनक्रियाटिक कोज करेगा। दूसरा है एसिनल सेल सेल इंजुरी की वजह से अल्कोहल ड्रग ट्रोमा इस्सीमिया सीमिक या वायरस, इसकी वजह से रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोइंजाइम एंड लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस होगा, उसके बाद एक्टिवेट वो इंजाइम होगा वहाँ, जिसके बाद से एसिनल सेल इंजुरी होगा, फिर एक्टिवेट इंजाइम ज़्यादा हो बड़े इंजाइम का ज़्यादा होगा, इसके कारण पे से प्रोटियोलाइसिस होगा, उसके बाद से एक्यूट पैनक्रियाटिक होगा। ये दूसरे हुआ। तीसरा स्टेप है डिफेक्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, डिफेक्ट होने की वजह से मेटाबॉलिक इंजुरी होने की वजह से अल्कोहल ज़्यादा यूज किया, जिसकी वजह से डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसका डिलीवरी प्रो इंजाइम टू द एसोसोमल कॉम्पिटेंसी होगी, इंट्रासेलुलर एक्टिवेट ऑफ इंजाइम का ज़्यादा होगा, जिसके कारण फिर एसिनल सेल का इंजुरी होगा, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन होगा, प्रोटियोलाइसिस होगा, जिसके बाद फैट नेक्रोसिस होगा, हेमरेजिक होगा और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होगा। ये तीन स्टेप बताया है कि इसके वजह से हो रहा है। तो यही इंजुरी बताया है कि देखो एसिनल इंजुरी है, ये पिक्चर दिखाया है। के बाद साइन एंड सिम्टम्स, सिम्टम जो है अपर एब्डोमिनल पेन कॉमन होगा, सडन ऑनसेट शार्प सीवियर कंटीन्यूअस रेडिएट टू द पैक रिड्यूस बाय द लीविंग ऑफ द फोरहेड, पेशेंट को इतना पेन होगा कैच करेगा पेन तो बैठेगा एक पकड़ का, जिसके वजह से तो बताया है जिसके वजह से एकदम झुकाव की तरफ होगा पेशेंट, लगेगा झुक जाएगा तब पेट पकड़ कर रहेगा। ये सिम्टम्स है जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन रेडिएट टू द शोल्डर टिप, पेशेंट लैज पेरिस्टाइल, नोजिया, नॉन प्रोजेक्टर वोमिटिंग, रेटचिंग, एनोरेक्सिया, फीवर, वीकनेस, ये सिम्टम है, ये क्लासिकल सिम्टम है। उसके बाद साइन में क्या मिलेगा, डिस्ट्रेस होगा, मूविंग ऑफ द कंटिन्यूसली होगा और सिटिंग स्टिल, पेन डायफ्रेटिक होगा यानी पसीना ज्यादा होगा, कंफ्यूजन होगा पेशेंट, साइन मिलेगा लो ग्रेड फीवर, लेकिन ऐसा नहीं है कि लो ग्रेड, लेकिन एक्यूट में सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, धीरे धीरे लो ग्रेड में जाएगा, लेकिन शुरू में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ हाई ग्रेड फीवर अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन कंटिन्यूस फीवर आता है इसलिए बाद में धीरे धीरे लो ग्रेड फीवर होगा। टैकिकार्डिया, टैकिपनिया यानी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज रहेगा, उसके बाद शैलो ब्रीथिंग होगा, एब्नॉर्मल ब्रीथिंग होगा, उसके बाद हाइपोटेंशन, माइल्ड एक्टिवेशन, ये मिलेगा एक साइन है। उसके बाद एब्डोमिनल साइन में इलियस होगा, इलियाटिक यानी इलियम का स्वेलिंग होगा या पूरे एब्डोमेन में डुओडेनम इलियम इस्टियम तीनों स्टोमैक में सीलिंग होगा, तीनों पार्ट का स्मॉल इस्टोमा कहीं भी हो सकता है, लेकिन इलियोसिटम जंक्शन का इलियस जो दिखाया है इसमें, उसका बाद एसाइटिस होगा, कॉम्प्लिकेशन में एसाइटिस डेवलप करेगा। उसके बाद ग्रेट टर्नर सैम, ये भी कॉम्प्लिकेशन है, ग्रेट टर्नर सैम क्या है, फ्लैंक यानी बायलेटरल फ्लैंक दोनों तरफ ब्लूइश कलर का सैन होगा, इकोमाइसिस होगा। उसके बाद कूलिंग सैन, कूलिंग सैन में अराउंड द एम्बिलिकल के चारों तरफ अराउंड द एब्डोमेन ब्लूइश सैन होगा, कूलिंग सैन उसको कहते हैं। तीसरा है फॉक्स सैन, फॉक्स सैन में क्या हो गया, इंग्वेलन रीजन में इंग्वेलन एरिया में, उसके बाद पुलिस ब्रूजिंग की सैन होगा या ब्लूइश सैन होगा, यानी इकोमाइकोसिस लगेगा, सबक्यूटेनियस हेमरेजिक होगा, जिस तरह डेंगू में देखते हैं उसी तरह। न्यूबॉर्न टेंडरनेस होगा, रिजिडिटी होगी, शिफ्टिंग डलनेस होगा, शिफ्टिंग डलनेस कैसे करते हो, शिफ्टिंग डलनेस कैसे करोगे, डलनेस के जैसे लीवर पर साउंड मारोगे ऐसे करके लीवर पर हार्डनेस
डल होगा, सॉलिड हम आ जाएगा, डलनेस आप शिफ्टिंग रिसीव पे से कन्वर्ट हो गए तो फ्लूइड दूसरी तरफ चला जाएगा, अब उसके बाद फिर करो सीधा हार्डनेस डलनेस होगा, शिफ्टिंग डलनेस ऐसे होगा। उसके बाद रिड्यूस बबल साउंड होगा। तो ये देखो पिक्चर पुलिंग सैंड का दिखाया है, यूजिंग सैंड की क्लियर इस कलर आ जाएगा, सबक्यूटेनियस इक्विमेसिस पूरा दिखा देता है, सबक्यूटेनियस में पूरा हेमरेजिक पूरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ग्रेटर नर्व सैंड में फ्लैंग एरिया में दिखाई दिखा रहा है। उसके बाद फॉक्स सैंड में देखो इंग्वाइनल रीजन में पूरा दिखाई दे रहा है, ये हल्का सा कलर, ये सब लेटेंट स्टेज में, ये नहीं कि एक्यूट स्टेज में उसी वक्त हुआ हो गया, जब ये सब हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन समझो पेशेंट का डेथ है, क्लियर है, पेशेंट बचता नहीं है, इतना लास्ट पोजीशन पे ये सैंड। पेनिकुलाइटिस होगा, सबक्यूटेनियस नोडुलर फैट नेक्रोसिस होगा, टेंडरनेस रेड नोडुलर ये दिखाई दे रहा है, देखो ये एक्सट्रीमलीज में यानी लोअर एक्सट्रीमलीज में दिखाई दिया, पैर में दिखाई दिया, टेंडरनेस रेड नोडल्स होगा, यूजुअली मेजर 0.5 टू 2 सेंटीमीटर यूजुअली ओवर द एक्सट्रीमिटी यानी लोअर लिम में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में परफोरेटेड विस्कस दैट्स कॉल्ड ड्यूडेनल अल्सर होगा, एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस बिलियरी कोलिक, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसोफेजियल रप्चर, मेसेंटरिक वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, रीनल कोलिक, डिसेंडिंग एरोटिक एनुरिज्म, मायकार्डियल इंफार्क्शन, बेसल निमोनिया, डायबिटिक केटोसिस, इस तरह डिफरेंशियल डायग्नोसिस से मिलता रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में है कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, कंप्लीट एक्यूट में जब भी कहोगे टीएलसी क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा, और डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिलियन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ये बढ़ा रहेगा, रेस्ट रहेगा, सीरम एमराइज काफी बढ़ा रहेगा, नॉर्मल 40 से 80 तक भी मिलेगा यूनिट पर लीटर, 140 तक नॉर्मल होगा, सबका अलग अलग जिस मेथड से करता है उसी हिसाब से रहेगा, लेकिन इसमें इंक्रीज है, काफी इंक्रीज रहता है, यहाँ तक क्या है 3 गुना 4 गुना भी रहेगा, 5-6 गुना भी कभी कभी हम लोग देखने को मिलता है जब कैंसर हो जाता है, पैंक्रियाटिक कैंसर में 5-10 गुना भी मिलने की ज्यादा मिलेगा। उसके बाद लैपेज है नॉर्मल, लैपेज नॉर्मल होता है 10 से 40 होगा, लेकिन वह इंक्रीज होगा, दुगना तिगुना बना रहेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन बना रहेगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस होगा, बैलेंस गड़बड़ा रहेगा, ब्लड ग्लूकोज हो सकता है कि कॉमन इसमें पैंक्रियाटाइटिस में लगभग ब्लड ग्लूकोज भी लेवल बढ़ ही जाता है, एस्कॉर्बिनिंगम बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से अक्सर कॉमन पेशेंट के एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्रोनिक में जाते जाते बढ़ जाता है, क्योंकि एक्यूट में भी बढ़ा रहता है, क्योंकि एज भी कॉमन 40 to 60 है, इसलिए कॉमन एज भी है, वही रिस्क डायबिटीज रिस्क एज है, इसलिए ग्लूकोज उसमें कॉमन बढ़ा रहेगा, रीनल फंक्शन उसको देखना चाहिए कि ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन का क्या लेवल है, और एचजीपी लीवर फंक्शन टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन एक्ट्रेस मैल रहता ही है, सीरम में एचजीपीटी एचजीपी सब बढ़ा रहेगा, एलडीएच इसमें इंक्रीज रहता है, आपको कोगुलेशन प्रोफाइल में पीटीटीटी आईएनआर भी कर सकते हैं, प्रोटीन टाइम बढ़ा रहेगा, कोगुलेशन टाइम बढ़ा रहेगा। उसके बाद आरटीएल ब्लड गैस एनालिसिस, तो ये इमरजेंसी में करते हैं जब आईसीयू में हम लोग एडमिट करेंगे तब, तो उसको देखना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से उसको मेंटेन कर उसको देखना है, आईसीयू के चीजें सीरम एमएलए का सेंसिटिविटी 72% है, स्पेसिफिसिटी 99% है, इसलिए ये टेस्ट हम लोग कराते ही हैं, रिलीज विद इन द 6 to 12 आवर इन्फेक्शन होने के बाद रिलीज होना शुरू हो जाता है, और 3 से 5 दिन का कॉमन बढ़ जाता है क्लियर उसमें सीरम। इलिवेशन ऑफ 33 मल्टीप्लाई इंटू नॉर्मली सिग्निफिकेंट यानी हम कहें 3 गुना ज्यादा नॉर्मल से अक्सर बढ़ जाता है इसमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनोग्राफी करके एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करके उसमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्लियर नजर आ जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन अगर उसमें क्लियर नहीं आता है उसमें
बिलियरी ट्री पूरा कभी कभी क्लियर नहीं आता, उसको क्लियर नहीं आता है, उसके लिए सीटी स्कैन देखना चाहिए, सीटी करना चाहिए, सीटी स्कैन ऑफ द अपर एब्डोमेन करके देखना चाहिए, और उसमें क्लियर आ जाता है कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन अल्ट्रासाउंड में पूरा क्लियर नहीं आता है, उससे सीटी स्कैन से पूरा क्लियर आ जाए कहाँ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन की वजह से है, किसके वजह से है, ये सीटी स्कैन का यह पिक्चर है। ये कंट्रास्ट करके उसको दिखाया है, यहाँ दिखाया पेंक्रियाज का, ये देखो एसएनएल सेट को पूरा क्लियर दिखाया है, ये पेंक्रियाटिक डक्ट क्लियर इसमें इंडिकेट किया है, एमआरसीपी एमआरसीपी बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल है, एमआरसीपी ईआरसीपी ईआरसीपी से भी अच्छा एमआरसीपी होता है, ईआरसीपी लेकिन करना है करते वक्त ईआरसीपी तो करते हैं, उससे फायदा भी जहां ऑब्स्ट्रक्ट और क्लियर भी कर सकते हैं ईआरसीपी से, ईआरसीपी का फुल फॉर्म हो गया एंडोस्कोपी रेट्रो पैंक्रियोटोग्राफी हो गया, और एमआरसीपी का मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है, मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रियोटोग्राफी, ये फुल फॉर्म उसका है, ये बेटर होता है ईआरसीपी से, लेकिन कॉस्टली भी होता है, लेकिन ईआरसीपी करने में फायदा ज्यादा रहता है, ये रहता है कि स्टोन है या छोटा ऑब्स्ट्रक्शन है वो ओपन हो जाता है, वो ओपन करने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस खत्म जल्दी होता है, इसलिए लोग, लेकिन हर जगह एमआरसीपी अवेलेबल भी नहीं रहता है, बड़ी जगह होते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है, ये पिक्चर है, किसी तो ईआरसीपी करते हैं कैसे करते हैं, एमआरसीपी पूरा इसका डायग्राम क्लियर पता चल जाएगा, ध्यान का देखो इंपेरेटिव पूरा क्लियर पता चलता है, डायलेट है, यहाँ देखो डायलेट है ज्यादा, क्योंकि इंजेंटिक ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसलिए यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, ताकि आगे जाके यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये क्लियर ये बता दिया है कि कैसे है। तब सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जिसको मैनेजमेंट इसका बहुत जरूरी है, इसलिए कि एक्यूट पैंक्रियाटिक बहुत सीरियस होता है, नाम ही है एक्यूट पैंक्रियाटिक, हाथ इसी बार हाथ जो इसमें आ जाता है समझो एकदम सर्दी जो है बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इसका प्रेशर मैनेजमेंट में फ्लूइड रिसक्सिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, नील बाय पेशेंट को क्या करेंगे प्रेशर मैनेजमेंट में, नील बाय मौत रहेंगे, रैश ट्यूब का रैश ट्यूब भी डालेंगे और उससे उसी से फिटिंग देंगे नील बाय मौत, और फ्लूड को हमेशा मेंटेन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रहता नील बाय मौत रखना, नहीं तो खाए खाना खाएगा और ज्यादा दिक्कत होगा, डिस्टर्ब होगा, इसलिए फ्लूड रिसक्सिएशन जरूरी है। इसमें अमेरिकन के गैस्ट्रोलॉजी काउंसिल का जो गाइडलाइंस, उसमें 250 ml to 500 ml पर आवर कह रहा है इसे देने, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस का फिजिशियंस को जो इंडिया के जो गाइड है 5 to 10 ml per kg पर आवर के हिसाब से, बस वही हुआ एक तरह का, वह पर केजी नहीं बताया, डायरेक्ट बताया कितना आवर देना है, और इसमें है कि पर केजी पर आवर देना है, ये गाइडलाइन फॉलो करते हैं, और अक्सर आरएल देते हैं, पहले हम लोग एसोटोनिक स्लैम देते हैं जिसमें आरएल मेंटेन देते हैं, फ्लूड को मेंटेन करने के पहले आरएल देते हैं, और यूरिया क्रिएटिन बड़ा रहेगा, डायबिटीज रहेगा तो इन्हें समझ देंगे, नॉर्मल स्लैम देंगे, इसको खूब बड़ा मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है फ्लूड का। उसके बाद ब्लड इसका और देखना है कि ब्लड प्रेशर का मेंटेन बहुत कर रहे हैं, मेंटेन है कि ब्लड प्रेशर का पल्स का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हीमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंट देखना है कि हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो रहा है, इसको मैनेजमेंट करना है, अगर हीमोग्लोबिन ब्लड की कमी होगी तो ब्लड देना है, और उसकी वजह से रैश ट्यूब से जो भी हम लोग फिटिंग देंगे जितना डेट फिटिंग जो भी देंगे वो रैश ट्यूब फिट देंगे, ठीक है, कम से 3 to 5 दिन कम से कम अक्सर आईसीयू में रखना ही चाहिए, बाहर ऐसे नहीं नर्सिंग में नहीं रखना चाहिए। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का जो ये दिखाया है ये तो फेलियर दिखाया है, किसी के फेलियर होता है। सप्लीमेंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया है कि ओरल फीडिंग को फीडिंग देना है, नील बैग ओरल रखना है, अभी हम जैसे बताया एस ट्यूब यूज करना है,
और टोटल पैरेन्केमल न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट है, यानी ऐसा डाइट देना है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, सो पैंक्रियाज इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़े, देन लिक्विड डाइट देना है, ओरल फीड देना है, ये बहुत बड़ी मर्जी में। दूसरी बात एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक का जैसे नोजिया वोमिटिंग हो रहा है उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, तो पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग उसके बाद एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक में फियासोमिडिक देखना है कि जॉन्डिस है जनरल, तो एमोक्सिक्लिन कैरबोनिक एसिड, एमोक्सिक्लिन का लीवर पर साइड इफेक्ट कम होता है इसलिए इसको पहला फेस मेडिसिन या लो से शुरू करना चाहिए, एमोक्सिक्लिन एसिड या सिंपल एमोक्सिक्लिन से भी इंजेक्शन से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं क्या कि हाई से हाई पिक्रासिलिन टेजबर कंडीशन दे लो, दैट हाई नहीं देना है, लो ही से शुरू करना है कि लीवर को दिक्कत हो। तो इसी तरह से ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमको करना है हमें, ऐसा नहीं है कि किडनी फेल्योर है या डॉक्टर देखो किडनी फेल्योर है फिर सीवियर पेन हो रहा है ट्रामाडोल देंगे एनाकोटन देंगे, तो ये पेट पेन एब्डोमेन में ओंडेम ओंडेस्टेरोन तो हम लोग नोजिया वोमिटिंग कॉमन देते ही हैं जी। जो एंटीबायोटिक दिखा दिया है देखो, इसमें भी दिखाया है कि कौन बैक्टीरिया पहले गट से निकलता है सोर्स गट में, जैसे एक केला निकल इस चेरीचिए कोला है इसके लिए 1 ग्राम नेगेटिव, तो 1 ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक हम दौड़ेंगे, लेकिन देखना है कि जैसे जेंटामाइसिन के लिए या मिकासिन के लिए देखना है कि किडनी का पोजिशन ठीक है कि नहीं, अगर किडनी का पोजिशन ठीक रहेगा तो 1 ग्राम नेगेटिव में से सेफेक्सिन हम लोग दे सकते हैं, ओफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, लिवोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं इसके लिए, तो ऐसा नहीं कि जेंटामाइसिन देने लगे हैं मिकासिन, इसको देखना है इसको, इसलिए ग्राम नेगेटिव में इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है देखने के लिए कि टेस्ट देखे मैनेजमेंट और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन का मैनेजमेंट भी। उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया अगर है तो फ्लूड देंगे, कैल्शियम देंगे, अगर हाइपर कैल्शियमिया है तो नहीं देंगे, उसको मेंटेन करना है, हाइपर ग्लाइसीमिया है तो उस पर एक्यूट में इंसुलिन देंगे, क्योंकि टैबलेट लेगा नहीं पेशेंट और इंसुलिन देने से सेकेंडरी इन्फेक्शन रिलैक्स से होगा, यानी फीलिंग अच्छा होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन को नहीं करेगा, इसलिए तो इंसुलिन इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और टू प्रिवेंट डायबिटिक कीटोसिस से बचने के लिए भी इंसुलिन मेंटेन करना है, फ्लूड का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज का ये हो गया, सर्जरी है, सर्जरी अगर सक्सेस नहीं है इसका जो सर्जरी करते हैं हम लोग, ये नहीं है कि एक्यूट पेंटेरियम में सर्जरी करेंगे, जहाँ पर कैंसर आक्रमण लिया है तो उस चीज़ को, सर्जरी सक्सेस नहीं रहता, कुछ ही दिन के लिए है सर्जरी, इसका संकेत नहीं है कि इमरजेंसी से बोल है ये कितना दिन। क्या पूछना तो पूछो, 1-2 मिनट रह गया फिर बंद हो जाएगा, 1-2 मिनट का टाइम है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिपोर्ट में एक टाइम नहीं लेता है तो रिचार्ज स्टॉप नहीं हो सकता। हेलो सर, कह रहे हैं कि हम अगर एबीजी कराते हैं एक पैनक्रियाटाइटिस तो उसमें क्या इंक्रीमेंट दिखेगा या क्या मतलब एलिवेटेड दिखेगा? जी ब्लड गैसेस में सोडियम है, पोटेशियम है, उसके बाद बाइकार्बोनेट है, पीएच देखना है, पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अल्कोलोसिस है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस है, क्या अल्कोलोसिस है, इसके लिए एबीजी इंपॉर्टेंट है। आईसीयू में बाहर छाया रखकर बाहर मेंटेन नहीं कर सकते हो, एबीजी उसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बाइकार्बोनेट बड़ा है, पीएच क्या बड़ा है,